नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेस्पीक के एक और एडिशन में। मैं आज सबसे पहले जो है केजीएफ की बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि केजीएफ बहुत आगे जा रही है और मेरा अगला जो सेगमेंट है वो केजीएफ के ऊपर ही है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि अब जबकि कन्नड़ा फिल्में जो हैं उनको अपना स्थान जो मिलना चाहिए था भारत में, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मिलते चले जा रहा है, तो एक अजीब सी स्थिति आ रही है जहां कन्नड़ा फिल्में जो कि आज तक मेरे ख्याल से सिर्फ अपने प्रांत तक सीमित थीं, वो अचानक पूरे भारतवर्ष में उनकी धूम मच गई है। कई अच्छे कलाकार हैं, मैं कलाकारों का नाम अगर लेना शुरू करूं तो फेहरिस्त बन जाएगी। इस समय बहुत टैलेंटेड कलाकार काम कर रहे हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में, न सिर्फ कि मैं मेल अभिनेताओं की बात कर रहा हूं, मैं फीमेल अभिनेताओं की बात भी कर रहा हूं। मेल एक्टर एंड फीमेल एक्टर, हर टैलेंट जो है वो बड़ा अच्छा है इस समय। और उसमें एक ऐसा कलाकार है जो मेरे ख्याल से पहली बार मैं कह सकता हूं कि अनंत नाग के बाद एक ऐसा कलाकार आया जिसने जाने बजाने जो है लैंग्वेज बैरियर को तोड़ डाला, किच्चा सुदीप। किच्चा सुदीप जो है नॉर्थ आ करके अमिताभ के साथ काम करके गए और वहां भी उनको काफ़ी सराहा गया। यही नहीं, मैं तो आपको ये बता दूं अभी भी कि अमिताभ बच्चन स्वयं किच्चा सुदीप के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनके प्रोफेशनलिज्म के, उनके काम का जो कि डेडिकेशन है, उनका जो मैनरिज्म है, अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा लगता है। यही नहीं, आने वाले दिनों में ये सुनने में भी आ रहा है कि किच्चा और अमिताभ मिल करके जो है एक बहुभाषी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि कन्नड़ा और हिंदी ये दो वर्जन तो पूरे ही बनने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कि तमिल तेलुगु वर्जन भी उसका आपको देखने मिले। ये एक बाइलिंगुअल फिल्म है, अभी हो सकता है आगे जाके मल्टीलिंगुअल बने। लेकिन किच्चा सुदीप की जो अगली फिल्म आ रही है वो फिल्म है पहलवान, और उसके लिए उन्होंने अपने रूप को पूरी तरह बदल डाला है। एक बड़े ही मस्कुलर अवतार में आपको दिखाई देंगे वो, और वो तस्वीर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, क्या मस्कुलर उनका जो है इस समय लुक हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये फिल्म किस तरह का कीर्तिमान तोड़ने जा रही है। अभी तक जो सैटेलाइट राइट्स और ये जो तमाम चीज़ें बिकती हैं कन्नड़ा फिल्मों की, वो बहुत ही कम कीमत पे बिकती थी। 8 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, इस तरह की जो है कीमत मिलती थी। आप मुझे झुठला सकते हैं, नीचे आप लिख दें अगर कि 100 करोड़ में ये फलानी बिकी थी, भाई नहीं बिकी थी। ये सारी चीज़ें हम अपने दिल को खुश करने के लिए बोलते हैं, हकीकत यह है कि 8 से 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती थी कन्नड़ा फिल्मों के लिए सैटेलाइट राइट्स में। लेकिन अब जो है, जो अगली फिल्म है इनकी पहलवान, उसके लिए 30 करोड़ रुपए का जो है ऑफर आ रखा है। 8 भाषाओं में जो है इस फिल्म को दिखलाने का राइट खरीदने वाले एक कंपनी ने जो है 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है इस फिल्म के लिए, कि आप पूरे विश्व की जो सैटेलाइट राइट्स हैं, डिजिटल राइट्स हैं, वो हमें दें और हम आपको 30 करोड़ रुपए देंगे। इसलिए क्योंकि इस फिल्म का जो आउटलुक है, इस फिल्म का जो अपील जो लोगों को समझ में आ रही है, वो बहुत ही वाइड है। ये एक एक्शन फिल्म है जहां पर एक बहुत डिपेंडेबल एक्शन एक्टर है आपके पास, एक ऐसा सेटअप है जहां पर कि बहुत अच्छी फिल्में इस समय बन रही हैं, तो लोग का जो कॉन्फिडेंस होता है किसी भी फिल्म में वो बहुत हाई है इस समय। मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में इस समय तक जो है, जो जब भी बात होती थी तो साउथ की फिल्मों का मतलब हो जाता था हमारे लिए या तो तमिल फिल्में या तेलुगु फिल्म मसाला में, और अगर हम आर्ट की बात करते थे तो हम सिर्फ मलयालम फिल्मों की बात करते थे। कन्नड़ा सिनेमा जो है पिछले 1-2 दशक से छूटा हुआ था, लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं 30 करोड़ रुपए का ऑफर 8 भाषाओं के लिए, और ये बात जो है प्रोड्यूसर ने कही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं या ये बात अफवाह नहीं है, प्रोड्यूसर ने इस बारे में जो है खुलासा किया है कि ये ऐसा ऑफर आया है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं प्रोड्यूसर्स की बात भी थोड़ी कम मानता हूं, क्योंकि कई बार वो अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए कई ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो सत्य शायद नहीं भी होती हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में रिलीज़ की गई फिल्मों के बारे में अजीब अजीब से फिगर्स सामने आते थे, जो हकीकत होती थी 50 करोड़ की वो अचानक सुनने में 137 करोड़ बन जाता था। तो आप इन बातों पर, अफवाहों पर जो है यकीन न डालें। हालांकि जब उन्होंने कहा है तो कुछ न कुछ तथ्य शायद हो इसके पीछे, लेकिन जब तक इस बारे में मुझे पुष्टि नहीं होती है तब तक मैं यही बोलूंगा कि प्रोड्यूसर ने क्लेम किया है। ये हकीकत है कि नहीं, ये मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नजर रखे हुए हूं जो भी हरकत हो रही है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आपसे मैं मिलता हूं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप कहीं जाइएगा मत, यही आपसे विनती है।